2004 में मुंबई में उन्हें जयप्रकाश नारायण अवार्ड मिला। घनश्याम भैया को जब अवार्ड में नगद 25,000 की राशि मिली, उस राशि से उन्होंने मधुपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना करने की सोची और वो मधुपुर आकर अपनी बातों से अवगत कराए और 2004 5 जून 2004 को यह पुस्तकालय की स्थापना की गई और अनवरत आज चलता आ रहा है। हमारे पुस्तकालय में विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं, करीब 10,000 पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में आज है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि मधुपुर के लोगों के अंदर लिखने पढ़ने की जो पुरानी संस्कृति थी वो लुप्त हो रही है। लुप्त होने के कारण हमारे युवा पीढ़ी भटकाव की ओर जा रहे हैं। युवा पीढ़ी अधिक अपना समय विकृत मानसिकता वाले राजनीति और इंटरनेट के दुरुपयोग में अपना समय बिता रहे हैं। खेलकूद भी लुप्त होता जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि मधुपुर की अपनी संस्कृति, अपना धरोहर, अपनी बातें कायम रहे, आगे बढ़े ताकि युवा पीढ़ी उसे सीख ले सके। आइए, आपको हम अपनी पुस्तकालय झारखंड अध्ययन केंद्र सह शोध संस्थान जो 52 बीघा रोड में अवस्थित है, अपने पुस्तकालय की कुछ पुस्तकों को आपको दिखाते हैं। देश के हमारे प्रसिद्ध लेखक और बड़े पत्रकार हेमंत सर के द्वारा हमारे पुस्तकालय को महत्वपूर्ण पुस्तकें मिली थी। उन पुस्तकों में कुछ पुस्तकें आपके सामने ये उपलब्ध है। मैं इन पुस्तकों को आपको दिखाता हूँ। ये सआदत हसन मंटो दस्तावेज है। ये पूरा मंटो का पूरा वॉल्यूम है। कमलेश्वर के उपन्यास, बीएस नायपाल, अली अनवर साहब की मसादत की जंग, मसावत की जंग, दलित मुसलमान। अली अनवर साहब को आप जानते होंगे। ये अली अनवर साहब हैं, ये सांसद हैं राज्यसभा के, और हमारे अग्रज साथी के मित्र हैं। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं जो बाल रचनाएं हैं, बाल रचनाओं में बहुत सारी किताबें जो है, ईदगाह, गौतम बुद्ध, बैक्टीरिया, बतूता का जूता, कुछ होने और कुछ ना होने का पहाड़ा, कहानी संग्रह, रंग बिरंगी कहानियां, ऐसी हुई सियानी लाली, यार की चिट्ठी, घर वापसी, सवा सेर गेहूं, भूकंप, जल की आग, स्वतंत्रता आंदोलन के गीत। इसके अलावा डॉक्टर रमेश शर्म की अबुआ देशम अबुआ राज, घनश्याम भैया द्वारा रचित इंडिजिनोक्रेसी, शेखर दास द्वारा रचित मंजूषा चित्रकला। ये मंजूषा चित्रकला की बहुत सारी झांकियां इसमें, और इसको बनाने की कला भी बताई गई है। संवाद के द्वारा एक थी गौरा देवी। गौरा देवी के बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी संघर्षशील महिला थी जिन्होंने बड़ा आंदोलन कर, चिपको आंदोलन के दौरान उन्होंने पेड़ को काटने से रोका था, अपने क्षेत्र के जंगल को इन्होंने बचाया था। झारखंड की बेटी रूप की मंडी एक शोध परक पुस्तक है, और ये अमित कुमार राजा जो आज इंडियन पंच के संपादक हैं और बासवी जी वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं रांची की, इन लोगों ने हमारे देवघर जिला मधुपुर गिरिडीह के आसपास में जो गरीब लड़कियों की खरीद बिक्री जो होती है,
उस पर ये पुस्तक पूरी तरह से आधारित है कि कैसे कश्मीरी लोग और विभिन्न राज्यों के लोग इस एरिया में आकर गाय से भी कम कीमत पर लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं, एक दिन की ठगी विवाह, एक दिन में सारा विवाह करके और वो लड़की को, गरीब परिवार की लड़की को पैसे देकर, कुछ पैसे की लालच परिवार को देकर ले जाते हैं। ये बहुत ही संगणनीय पुस्तक है और इस क्षेत्र की दुर्दशा को इंगित करती है, झारखंड की बेटी रूप की मंडी। और हमारे पास कई एक पुस्तकें हैं, या पूरी पत्रकारिता से संबंधित, हमारी ये पूरी ये पुस्तकें पत्रकारिता से संबंधित हैं, पत्रकारिता की एक पूरी वॉल्यूम, पत्रकारिता के युग निर्माता राजेंद्र माथुर जी, माधवलाल लाल सप्रे, हेमंत कुमारी देवी चौधरी, बनारसी लाल दास चतुर्वेदी समेत कई एक ऐसे हमारे महापुरुष पत्रकार, उनकी जीवनी और कैसे करें पत्रकारिता, इस पर आधारित है। आइए आप, आपको हम ले चलते हैं अपने पुस्तकालय के अगले अलमीरा की ओर, जहां हम दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं और पुस्तकें होने के बावजूद लोग पढ़ने लिखने से इतने महरूम क्यों हैं। ये समाज विज्ञान की, ये सारी पुस्तकें समाज विज्ञान की हैं, समाज विज्ञान की सारी पुस्तकें हैं। उसके अलावा सैकड़ों पुस्तकें कहानी की हैं, कहानी की सैकड़ों पुस्तकें आप देख सकते हैं। इस प्रेमचंद का पूरा वॉल्यूम यहाँ पर, शरद चंद जी की 31 अनमोल कहानियाँ, ये पूरा आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ये कविता संग्रह है, कविताओं का पूरा संग्रह, पर्यावरण से संबंधित ये पुस्तकें हैं। इसके अलावा हम आपको एक महत्वपूर्ण पुस्तक दिखाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी की का जो 74 आंदोलन से संबंधित ये पुस्तक है। ये बिहार सरकार की ओर से ये प्रकाशित कराई गई है और इस पुस्तक को की रचना में हमारे वरिष्ठ साथी घनश्याम भाई, हेमंत सर के अलावे कई एक लेखक और पत्रकार शामिल हैं। आपको और दिखाएंगे झारखंड से जुड़ी हमारी ये पूरी श्रृंखला है, ये झारखंड की रचनाएं हैं, झारखंड की जनजातियों के संबंध में है। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये है आदि धर्म। ये हमारे गुरुजन डॉक्टर रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी के द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का एक में ये बताया गया है कि जब हमारे पूर्वज का निधन होता है तो वो फिर कहीं नहीं जाते, वो आसपास ही रहते हैं, वो अपने घर में ही रहते हैं, उनकी आत्मा घर में ही रहती है, वो आपको देखती है, आपको दिशा निर्देश देती है, आपके अच्छे और बुराई को वो बताती है, अंतरात्मा की आवाज बनकर वो घर के चार दीवारी के अंदर आपके परिसर में ही वो रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये दुर्लभ पुस्तक भी है। और ये संपूर्ण गांधी बांग्मय है, ये गांधी बांग्मय है, ये गांधी जी की रचनाएं हैं। ये अभी नई रचनाएं आई है, ये पूरा का पूरा ये गांधी जी से संबंधित है। और हम आपको बताते हैं, ये आर्थिक जगत की पुस्तकें हैं, ये शिक्षा से संबंधित पुस्तकें हैं, ये शिक्षा संबंधित कई एक पुस्तकें हैं। और ये हमारे यहाँ विचार का खजाना है, बाबा साहेब की
ये बाबा साहेब इसका संपूर्ण वाङ्मय हमारे पुस्तकालय में है। बाबा साहेब से जुड़ी जितनी भी रचनाएं हम लोग संग्रह करके रखे हैं, सावित्री बाई फुले, बाबा साहेब देशमुख, इन लोगों की रचनाएं हैं। ये सारी पुस्तकें देवघर से लाई गई थी, सत्याग्रह। उसके अलावा झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान की पुस्तकें डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखित है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तक है सूर्पनखा के राम, ईशान महेश की रचित, यह बहुत ही अनूठा संग्रह है। और ये स्त्री की रूढ़ छवि का समग्र, ये स्त्रियों पर आधारित बढ़िया स्त्री, जर्मन गियर की ये संग्रह है, बहुत ही शानदार। महिलाओं की दशा और दिशा इस ये पुस्तक बताती है। इसके अलावा भारत में जनजाति, लोकनायक जयप्रकाश का नैतिक लोकतंत्र, महात्मा गांधी का शिक्षा चिंतन, मध्य भारत के आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड समाज संस्कृति और साहित्य, ये डॉक्टर विद्याभूषण जी की किताब है। अबुआ राज की चुनौतियां, ये जुगल झा की पुस्तक है और हमारे संथाल परगना से जुड़ी है। उपनिवेशवाद और आदिवासी संघर्ष, हेरोल्ड एस तोपनो की ये रचना है जिसका संपादन अश्विनी कुमार पंकज जी ने किया है। और ये फिर सादत हसन मंटो की, नंदकिशोर विक्रम की ये पुस्तक। इसके अलावा हम बच्चों को बताने के लिए कि वायुमंडल का मौसम क्या है, जल और परमाणु क्या है, यातायात का आविष्कार किसने किया, दूरसंचार का आविष्कार किसने किया, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आविष्कार से संबंधित ये सुदर्शन भाटिया जी की पुस्तकें हैं। और एक महत्वपूर्ण ये पुस्तक गौंड आदिवासी के संबंध में, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इतिहास और संस्कृति के बारे में अनुराधा पॉल ने विस्तार पूर्वक बताया है इसमें। इसके अलावा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए ये रोचक कहानी, छोटी छोटी कहानियां इसमें, देवदत्त पटनायक जी की पशु। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे हमारे पुस्तकालय की ये पुस्तकें, भारतीय शिखर महिलाएं, भारत में शिखर में पहुंची महिलाओं की संक्षिप्त जीवन परिचय इन पुस्तकों में है। इसके अलावा आप देखिए आर्य गाथा वीरेंद्र सारंग जी की, देवदानव आर्य अनार्य राक्षस संस्कृति का एक विराट रूपक है ये आर्य गाथा। भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं, ये डॉक्टर शरद सिंह की पुस्तक है। हमारे पुस्तकालय में हम चाहते हैं कि हमारी देशज जो संस्कृति है वो हम समझें और उसे पढ़ें और उसे गुने। ये संथाल से संबंधित ये नमिता माथुर जी की ये पुस्तक अभी हम देवघर पुस्तक मेला से लेकर आए हैं। हम लोग मधुपुर वासियों से, मधुपुर के शहरी और ग्रामीण युवाओं से, माताओं से, छात्रों से अपील करते हैं कि वो हमारे इससे झारखंड अध्ययन केंद्र शोध संस्थान 52 बीघा स्थित पुस्तकालय आए, पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारे पुस्तकालय में मात्र 10 रुपया मासिक शुल्क पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है और आप इन पुस्तकों को लेकर घर में भी अध्ययन कर सकते हैं और फिर वापस लाकर हमारे पुस्तकालय में जमा दें, फिर नई पुस्तकें आप अपने घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। खास करके बच्चों को संस्कार देने वाली जो हमारी रचनाएं हैं उन्हें अभिभावक जरूर ले जाकर अपने बच्चों को पढ़ाएं
ताकि वो अपने अपने धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर एक सच्चा देशभक्त